नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नए वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक सैंपल कलेक्शन का। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैंपल कलेक्शन। इसमें हमारे पास कई सारे कंटेंट्स हैं, जैसे कि स्कोप ऑफ सर्विसेज एंड आउट ऑफ स्कोप, सैंपल कलेक्शन टाइम, प्रोसीजर स्टेप, सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल, टाइप्स ऑफ कंटेनर, ऑर्डर ऑफ ड्रॉप एंड कलेक्शन वॉल्यूम, पॉलिसी ऑफ सैंपल कलेक्शन, सैंपल हिमोलाइज रीजन, क्रिटिकल टेस्ट रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी इंडिकेशंस। पहला कंटेंट है स्कोप ऑफ सर्विसेज एंड आउट ऑफ स्कोप। तो इस टॉपिक में यह बताया जा रहा है कि जैसे जो लैब है, लैब एक ऐसा प्रेमिसेस होता है हॉस्पिटल एरियाज के अंदर जहां पर कि हम क्या करते हैं कि सारे सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और उन सैंपल का टेस्ट होता है। तो लैब शैल प्रोवाइड फॉलोइंग स्कोप ऑफ टेस्ट विच आर रिक्वायर्ड बाय द स्कोप ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द हॉस्पिटल। इन केस द टेस्ट इज नॉट अवेलेबल इन हाउस, इट हैज टू बी आउटसोर्स एप्रोप्रिएटली। तो दोस्तों, पहला टॉपिक जो हमारा है वो ये कह रहा है कि हॉस्पिटल एरियाज के अंदर जो लैब फैसिलिटीज हैं, तो वो लैब फैसिलिटीज का काम क्या है कि उन फैसिलिटीज के अंदर सैंपल कलेक्शन और उनका टेस्ट होता है। अगर हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर लैब फैसिलिटीज नहीं है या कई ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें आउटसोर्स सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पहला है स्कोप ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब ऐसे टेस्ट जो हॉस्पिटल एरियाज में अवेलेबल हो सकते हैं। तो पहला है जैसे हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी के अंदर जैसे सीबीसी, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री जैसे कि हेज टेस्ट, बेनेडिक टेस्ट, बायोरेट रिएक्शंस, सेक टेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसके अंदर जैसे कई सारे टेस्ट होते हैं जैसे एसिड बेस बैलेंस, एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, इसके अंदर जैसे कई सारे टेस्ट हैं बोन मैरो, फ्लूड, बॉडी फ्लूड टेस्ट। नेक्स्ट है स्मियर एग्जामिनेशन, और जैसे कि सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसके अंदर जैसे वीडीआरएल टेस्ट, एचआईवी, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि कल्चर एंड ग्राम स्टेनिंग। तो ये जो सारे टेस्ट हैं वो बेसिकली अवेलेबल होते हैं हमारे हॉस्पिटल एरियाज के अंदर। दूसरा है आउट ऑफ स्कोप, जो ऐसे टेस्ट जो हो सकता है कि आउटसोर्स एरियाज में अवेलेबल हो, जैसे कि पहला है हिस्टोपैथोलॉजी जैसे कि पैप्समियर। नेक्स्ट है हार्मोनल टेस्ट। नेक्स्ट है कैंसर मार्कर, जैसे कि कई सारे कैंसर मार्कर है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जिसके लिए CEA कैंसर मार्कर रिस्पॉन्सिव होता है, जिसका मतलब होता है कार्सिनोजन एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ऐसे ही CA125 जिसका मतलब है कार्सिनोमा एंटीजन 125, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओवेरियन कैंसर के लिए। नेक्स्ट है फिर माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा TBPCR जो कि बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है AFB कल्चर। नेक्स्ट है TB फेरोन एक्सेट्रा। तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो बेसिकली आउट ऑफ स्कोप डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट है सैंपल कलेक्शन टाइम। सैंपल कलेक्शन टाइम जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विसेज के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारे पास हॉस्पिटल एरियाज में अगर हमारे पास लैब्स हैं तो वहां पे ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि जो कि जहां पे क्या हो रहा है कि
जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज हैं वो 24 आवर बेसिस के अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए, मतलब जो सैंपल कलेक्शन है या जो टेस्ट जो हो रहे हैं वो 24 आवर बेसिस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मतलब अगर इन पेशेंट डिपार्टमेंट है और पेशेंट एडमिट है तो उसकी सैंपल कभी भी लिया जा सकता है, तो 24 आवर्स बेसिस के अकॉर्डिंग ही सर्विसेज होनी चाहिए। दूसरा है ओपीडी पेशेंट सैंपल कलेक्शन, तो इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं जैसे कि 7:30 AM to 7 PM अप्रॉक्स 12 आवर बेसिस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है फिर प्रोसीजरल स्टेप्स, पहला है फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो पहला स्टेप है इसमें डॉक्टर शैल राइट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन, द डिटेल ऑफ द टेस्ट शुड बी फिल्ड इन रिक्विजिशन फॉर्म। इसका मतलब दोस्तों है कि जो भी हम टेस्ट करा रहे हैं पेशेंट का, जो भी सैंपल हमने लिया है, तो वो हमेशा रिटन प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। और उसके साथ साथ जो रिक्विजिशन फॉर्म है उसमें पूरी तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए अबाउट द पेशेंट। दूसरा स्टेप है इसके अंदर आउट पेशेंट आउटडोर पेशेंट्स के लिए, दूसरा है द रिक्विजिशन फॉर्म टेकन बाय पेशेंट अटेंडर टू रिसेप्शन। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो पेशेंट के साथ जो अटेंडर होगा तो वो उस फॉर्म को हमेशा रिसेप्शन पर लेके जाता है। तीसरा स्टेप है रिसेप्शन स्टाफ विल चेक द फॉर्म एंड मेक बिलिंग। जो भी रिसेप्शन पर अवेलेबल स्टाफ है वो पूरी तरह से उस फॉर्म को चेक करेगा, पूरी डिटेल्स को चेक करेगा और बिलिंग बनाएगा। चौथा स्टेप है द पेशेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सैंपल कलेक्शन रूम विथ बिल एंड रिक्विजिशन फॉर्म। फिर पेशेंट जो है उसको हम कहां लेके जाएंगे, सैंपल कलेक्शन रूम में, किसके साथ, जो उसके पास अवेलेबल रिक्विजिशन फॉर्म है और अवेलेबल बिल के साथ। फिफ्थ पॉइंट है पेशेंट इज कॉल्ड बाय द टेक्नीशियन एंड टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म इज वेरीफाइड बिफोर सैंपल कलेक्शन। एक बार जब सैंपल रूम में पेशेंट पहुंच जाएगा तो वहां पे जो टेक्नीशियन अवेलेबल है, जो भी स्टाफ है, वो उसको दोबारा से क्या करेगा, वेरीफाई करेगा पेशेंट को और रिक्विजिशन फॉर्म को मैच करेगा। नेक्स्ट है वाइल आर सेग्रीगेटेड एज पर द टेस्ट रिक्वायर्ड। अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से वाइल्स अवेलेबल होंगी हमारे सैंपल रूम में, और जिस भी टाइप का हमको सैंपल लेना है उसकी कलर कोड के अकॉर्डिंग हमको वाइल लेनी है। नेक्स्ट स्टेप है पेशेंट डिटेल एंट्रीज इज डन इन द रजिस्टर एंड ऑल्सो ऑन द वाइल। तो नेक्स्ट स्टेप है जब भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है सैंपल कलेक्शन रूम में तो उसकी पूरी डिटेल हमको रजिस्टर करनी है और साथ साथ वही डिटेल अवेलेबल वाइल में, जिस वाइल में हम उसका सैंपल ले रहे हैं उस वाइल पर लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप है सैंपल इज टेकन बाय ऑल एसेप्टिक मेजर्स एंड पेशेंट आर इंटीमेटेड अबाउट द रिपोर्टिंग टाइम। सैंपल लेते टाइम हमें पूरे एसेप्टिक मेजर्स हमेशा फॉलो करने हैं और जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसको लिखना है। नेक्स्ट है द सैंपल इज एक्सेप्टेड इन द HMIS सिस्टम एंड सेंड इन मेन लैब। जो हमारे पास सैंपल आया है उसको हमको कलेक्ट करना है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS जो हमारा सिस्टम होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इन्फॉर्म करना है, पूरी डिटेल लिखनी है और उसको हमको मेन लैब तक ट्रांसफर करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर है दोस्तों फॉर इंडोर पेशेंट। अब तक तो हमने देखा फॉर आउटडोर पेशेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर इंडोर पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो हमारे पास एडमिट है। तो पहला पॉइंट है डॉक्टर शैल राइट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये कि जो भी डॉक्टर पेशेंट को अटेंड कर रहा है तो वो प्रिस्क्राइब करेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट है नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर शुड राइट द डॉक्टर्स ऑर्डर ओवर द प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो भी अवेलेबल नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर इन द वार्ड वो क्या करेगा, फॉर्म पे पूरी एंट्री करेगा। नेक्स्ट है फिर सैंपल कलेक्शन शैल बी डन बाय नर्सिंग स्टाफ। जो भी नर्सिंग स्टाफ है जो पेशेंट को अटेंड करता है वही पेशेंट का क्या करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा।
एंट्री ऑफ द टेस्ट इज डन इन द डायग्नोस्टिक फॉर्म। सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो भी हमने सैंपल लिया है, कब लिया है, टाइमिंग, कितने ml ब्लड लिया है, जिस भी टाइप का सैंपल लिया है उसकी फुल एंट्री डायग्नोस्टिक फॉर्म के अंदर फिल करना भी किसका काम है? नर्सिंग स्टाफ का। नेक्स्ट है, टेस्ट इज ऑर्डर्ड इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल इन ऑर्डर स्क्रीन। जो भी प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ऑर्डर को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है, द सैंपल इज सेंड विद आईपीडी फाइल एंड रिक्विजिशन फॉर्म। जो भी हमारे पास रिक्विजिशन फॉर्म है और आईपीडी फाइल जो पेशेंट है, पेशेंट की है, उसके साथ ही हमें सैंपल को लैब की तरफ भेजना है। नेक्स्ट है, द सैंपल इज चेक्ड एंड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन लैब। सैंपल फिर लैब में जाने के बाद दोबारा से चेक होता है और लैब में ही उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट, सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल्स। तो फर्स्ट है फॉर ओपीडी पेशेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, सैंपल इज ट्रांसपोर्टेड इन ए क्लोज बॉक्स विद वाइल वर्टिकली प्लेस्ड। जो भी सैंपल हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वार्ड्स से लैब की तरफ, या जो भी हमारे पास ओपीडी पेशेंट आया है तो उसका सैंपल जब भी हम लैब में ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट करते टाइम हमें उस सैंपल को हमेशा एक क्लोज बॉक्स में रखना है और वाइल को हमेशा सीधे वर्टिकली फॉर्म में ही प्लेस करना है। नेक्स्ट है, द बॉक्स शुड हैव बायोहजार्ड साइन ओवर इट। सैंपल कलेक्शन जो बॉक्स होता है उसके ऊपर हमेशा बायोहजार्ड साइन लगा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरिफिकेशन ऑफ द सैंपल आर डन इनसाइड द लैब एंड सिग्नेचर ऑफ स्टाफ रिसीविंग सैंपल इज डन ऑन फॉर्म। लैब के अंदर सैंपल को दोबारा से वेरीफाई किया जाता है और जिस भी स्टाफ ने जो सैंपल है वो रिसीव किया है उस स्टाफ का उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फॉर आईपीडी पेशेंट, फर्स्ट पॉइंट है, सैंपल इज ट्रांसपोर्टेड इन ए क्लोज बॉक्स विद वाइल वर्टिकली प्लेस। जैसे कि मैंने पहले बताया ओपीडी पेशेंट के लिए, वैसा ही सेम जब भी हम सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमेशा वो क्लोज बॉक्स में होना चाहिए और हमेशा जो वाइल हमने ली है वो हमेशा वर्टिकली प्लेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आईपीडी सैंपल शेल बी ट्रांसपोर्टेड बाय वार्ड बॉय टू द लैब। हमेशा आईपीडी जो सैंपल्स होंगे, जो इन पेशेंट सैंपल्स हैं जो कि हम वार्ड से लैब की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं? वार्ड बॉयज के थ्रू। नेक्स्ट है, ऑल सैंपल रिक्वायरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी ट्रांसपोर्टेड इन वैक्यूटेनर्स। जितने भी सैंपल्स हैं वो अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लैब में तो हमेशा वो वैक्यूटेनर्स के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होंगे। नेक्स्ट है, डिटेल ऑफ द पेशेंट एंड सैंपल विथ टेस्ट इज रिटन इन इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर्ड विच इज सेंड टू द लैब सैंपल कलेक्शन रूम। जो भी सैंपल हम पेशेंट का लैब में भिजवा रहे हैं इन पेशेंट्स का, तो उनके साथ फुल डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी साथ में सैंपल के साथ में लैब की तरफ भेजना है। सेकेंड पॉइंट है सैंपल आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो भी सैंपल हमारे पास आया गया है लैब में तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आईपीडी या ओपीडी नंबर और सीआर नंबर पेशेंट का चेक करते हैं लेबल के ऊपर। दूसरा पॉइंट है, ऑल सैंपल विल हैव टू बी अकम्पेन्ड बाय रिटन रिक्विजिशन फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन। जो भी सैंपल लैब में भेजे जा रहे हैं उनके साथ एक रिक्विजिशन फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए। उस फॉर्म में पेशेंट की पूरी डिटेल और किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन हमको करना है इसकी डिटेल हमेशा अवेलेबल होती है। थर्ड पॉइंट है, द लैब रिसीविंग द सैंपल विल एंटर द डिटेल इन रजिस्टर एंड गिव ओपीडी आईपीडी नंबर टू ईच सैंपल। जो भी सैंपल्स हैं जो कि लैब में रिसीव किए जा रहे हैं उसके ऊपर हमेशा डिटेल रजिस्टर की जाती है, जैसे कि
ओपीडी और आईपीडी नंबर ऑफ ईच सैंपल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो जनरली अलग अलग कलर कोड के हिसाब से कई सारे कंटेनर होते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं पर्पल कैप, स्काई ब्लू कैप और रेड कैप। हमेशा जो वाइन होगी उसके ऊपर अलग अलग कलर के कैप्स लगे होते हैं, जैसे कि पर्पल कैप, इसका मतलब होता है वो कौन सी वाइल है, ईडीटीए वाइल। नेक्स्ट है स्काई ब्लू, जो कि कोगुलेशन टेस्ट के लिए काम आ रही है। नेक्स्ट है रेड कैप, जो कि प्लेन वाइल्स कहलाती है। ऐसे और भी कई तरह के कलर्स होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ एंड कलेक्शन वॉल्यूम। तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला है ब्लड कल्चर, जो कि लाइट ग्रीन कलर का है। अडल्ट के लिए ग्रीन कैप और पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए येलो कैप होती। नेक्स्ट है कोगुलेशन टेस्ट, इसके लिए हम 1.8 ml ब्लड लेते हैं। नेक्स्ट है प्लेन वॉयल या सीरम, इसके लिए हम वॉल्यूम रखते हैं हमेशा 3 to 5 ml। नेक्स्ट है टीबी, इसके लिए हमेशा ग्रीन कलर की वायल होगी जिसमें हिपेरिन अवेलेबल होगा और 2 ml सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट है जैसे सीबीसी, हीमोग्राम, ईएसआर, मलेरिया, टीईसी एक्सेट्रा, इसके लिए हमेशा अपन ईडीटी वायल यूज करते हैं, ईडीटीए वायल, जिसमें हमेशा अपन 2 ml वॉल्यूम सैंपल का रखते हैं। नेक्स्ट है शुगर, जिसके लिए हम ग्रे कलर की कैप वाली बॉटल यूज कर रहे हैं या वायल यूज कर रहे हैं, जिसमें हमेशा हम 2 ml वॉल्यूम रखते हैं। नेक्स्ट है एचआईवी, डेंगू, एचबीएस, एजी, विडाल एक्सेट्रा, जिसके लिए व्हाइट कलर कैप वाली वाइल हमेशा यूज की जाती है और वॉल्यूम हमेशा 3 to 4 ml रखा जाता है। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ सैंपल रिजेक्शन। तो सैंपल रिजेक्शन के लिए देखिए, पहली है इनकम्प्लीट फिल फॉर्म। अगर हम सैंपल भिजवा रहे हैं और सैंपल रिजेक्ट हो रहा है, तो पहला कारण हो सकता है कि इनकम्प्लीट फॉर्म जो है वो फिल किया गया है, जैसे कि नो नेम ऑफ पेशेंट, सीआर नंबर नहीं है पेशेंट का। नेक्स्ट है टेस्ट टू बी डन इज नॉट मेंशन, कि जो टेस्ट हमको करना है वो उसमें मेंशन नहीं है, तो इनकम्प्लीट फॉर्म फिलेशन की वजह से सैंपल रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्पेरिटी बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर्म एंड सैंपल लेवल, जो कि सैंपल पे जो लेवल लगा हुआ है वो और जो साथ में रिक्वेस्टेड फॉर्म हमने भेजा है वो आपस में अनमैच्ड हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तब उस केस में भी सैंपल रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि पेशेंट नेम ऑफ रिक्वेस्ट फॉर्म एंड सैंपल वाइल नॉट मैच, मतलब रिक्वेस्ट फॉर्म पे जो पेशेंट का नाम है वो और सैंपल पे जो हमने लेबल लगाया है उसके ऊपर जो नाम हमने लिखा है अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो सैंपल रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव सैंपल, जैसे कि ओवरफिल्ड सैंपल, अंडरफिल्ड सैंपल, क्लोटिंग सैंपल इन एन एंटीकोगुलेंट वाइल, रॉन्ग वाइल, एम्प्टी वाइल या अनलेबल वाइल, ऐसी कंडीशन में पेशेंट के जो सैंपल है वो क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सैंपल हीमोलाइज्ड रीजन। सैंपल हीमोलाइज का मतलब ये हो गया कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं वो या तो इनअप्रोप्रिएट है, वो किस कंडीशन में, जैसे कि टर्निकेट टाइट, ज्यादा टाइट टर्निकेट बांधा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमारा दूसरा पॉइंट है कि स्लो सैंपल फ्लो, जो भी फ्लो है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है मिक्सिंग प्लेन वाइल। नेक्स्ट है अगर टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से सैंपल जो है वो हीमोलाइज हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल टेस्ट रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट, व्हेन अ क्रिटिकल रिजल्ट इज आइडेंटिफाई द लेबोरेटरी टेक्नीशियन कॉन्टेक्ट द ऑर्डरिंग फिजिशियन और देयर असिस्टेंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ टेस्ट रेडीनेस वाया इंटरकॉम और मोबाइल। इसका मतलब दोस्तों यह कि अगर हमने टेस्ट किया है और किसी भी तरह की क्रिटिकल रिजल्ट सफर हमको देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको विद इन 30 मिनट्स जो भी डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म करना है। दूसरा है द रिजल्ट विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म टू द सीनियर नर्स इफ द पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। जिस भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है
और जिस भी वार्ड का वो पेशेंट है तो उस वार्ड में जो सीनियर नर्स है उसको भी हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर क्रिटिकल टेस्ट रिजल्ट आते हैं तो। नेक्स्ट है द नेम ऑफ पर्सन टू हुम द क्रिटिकल वैल्यूज आर इंटीमेटेड विल बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द मेन लैब रजिस्टर अलोंग विद टाइम एंड डेट। जिस भी पर्सन का हमने सैंपल लिया है और जो भी वैल्यूज या क्रिटिकल वैल्यूज उस पेशेंट्स की आ रही है तो उस कंडीशन में हमको उसकी रिपोर्ट और विद टाइम एंड डेट हमको रजिस्टर या डॉक्यूमेंट करनी है। नेक्स्ट है क्वालिटी इंडिकेटर्स। क्वालिटी इंडिकेटर्स दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं वो कितने वेरीफाइड हैं या कितने वो क्वालिटी अश्योर्ड सैंपल्स हैं। तो इसमें जैसा कि आप चार पॉइंट देख पा रहे हैं, पहला है इंडिकेटर, दूसरा है सैंपल साइज, फिर है न्यूमरेटर और तीसरा है डोमिनेटर। तो पहला देखिए इसमें इंडिकेटर में पहला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ एडेरेंस ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन बाय एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डायग्नोस्टिक। कि जो भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, लैब्स हैं, उसके अंदर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा कितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज किए जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो सैंपल हैं वो सेफ हैं या राइट हैं या नहीं। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर पर 1000 इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब दोस्तों यह है कि पर 1000 सैंपल कलेक्शन जो हमने किए हैं या जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं तो उनमें कितनी कम से कम रिपोर्ट्स एरर आई है। जितनी कम एरर आएंगे उतना ही क्वालिटी अश्योरेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरा है रेट ऑफ रीडजेस, मतलब अगर हमें बार बार सैंपल लेने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ रीडजेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका मतलब हम क्वालिटी लेवल जो है वो कम हो रहा है। अगर रीडज रेट कम है इसका मतलब क्वालिटी लेवल इंप्रूव हो रहा है। चौथा पॉइंट है परसेंटेज ऑफ रिपोर्ट कोरिलेटिंग विथ क्लिनिकल डायग्नोसिस। कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस से कितने मैच हो रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है जैसे कि सैंपल साइज, जैसे 100%, फिर 100%, 100%। मतलब पहला था परसेंटेज ऑफ एडेरेंस, अगर प्रिकॉशन लेवल जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही सैंपल साइज या हमारे सैंपल क्वालिटी बेहतर होगी, मतलब 100% के समथिंग। नेक्स्ट है फिर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर भी सेम है जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अडेयरिंग टू सेफ्टी प्रिकॉशन, कि कितने पर्सन जो हमारे पास काम कर रहे हैं लैब में तो वो कितनी अच्छी तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस को यूज कर रहे हैं। दूसरा है नंबर ऑफ रिपोर्टिंग एरर कितनी कम आ रही है या ज्यादा आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी क्वालिटी अश्योरेंस क्या है। नेक्स्ट है फिर नंबर ऑफ रीडजेस, फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिपोर्ट कोरिलेटिंग विद क्लिनिकल डायग्नोसिस। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय सैंपल की कितने नंबर ऑफ सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं बाय द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म, कि कितने टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं पर डे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म, नेक्स्ट है फिर नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म। मतलब डिनोमिनेटर में ये हो गया कि जो भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो एक दिन में हमारे पास कितने कलेक्शन हो रहे हैं सैंपल के और कितने टेस्ट हम पर डे परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो एक तो सेफ्टी प्रिकॉशन, एक कितने एरर्स आ रहे हैं और कितनी बार हम दोबारा टेस्ट कर रहे हैं और कितनी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो डायग्नोसिस के साथ रिलेट कर रही हैं और कितने टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं और कितने सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट हमेशा क्वालिटी इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। तो अंत में दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।